दबंगई और हमेशा विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल की दबंगई एक बार फिर देखने को मिली। इस बार विधायक के बेटा आशीष कुमार ने जमीन विवाद को लेकर जमीन मालिक लाल बहादुर सिंह पर गोली चला दी, जिसको बचाने में उनके बेटे का दोस्त रवि कुमार गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि गनीमत रही कि युवक की जान नहीं गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि लाल बहादुर सिंह की निजी जमीन पर विधायक गोपाल मंडल बीते 20 दिनों से कब्जा करना चाह रहे थे। विरोध करने पर मारपीट और जान मारने की धमकी गोपाल मंडल की ओर से दी जा रही थी। हालांकि इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। आज जब लाल बहादुर सिंह अपनी जमीन पर गए तो देखा कि उनकी जमीन पर जबरन कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। उसके बाद वे अपनी पत्नी मीरा प्रसाद, पुत्र वीर बहादुर और वीर बहादुर के दोस्त रवि अवैध रूप से जमीन कब्जा करने का विरोध करने लगे, जिसके बाद विधायक गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल और उनके गुर्गों ने चारों की जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद आशीष मंडल ने लाल बहादुर सिंह पर गोली चला दी और उनको बचाने में रवि कुमार के सिर में गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय बराड़ी थाने की पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने रवि को बेहतर उपचार के लिए पटना PMCH रेफर कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक गोली चलाने के पहले दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुई, जिसमें विधायक गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल ने अपने गुर्गों के साथ दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की। घटना में महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि विधायकी का आतंक दिखाने के लिए विधायक के पुत्र आशीष मंडल ने गोली चला दी, जिसमें कि रवि कुमार नामक शख्स के सिर में गोली लग गई। घटना के बाद घायल स्थिति में युवक को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद आनर फानल में औद्योगिक अपराधी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। वहीं जदयू विधायक जब संपर्क किया गया तो उन्होंने घटना में अपने पुत्र की संलिप्तता नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि आरोप बेबुनियाद है। वहीं इस पूरे मामले पर भागलपुर के CTSP स्वर्ण प्रभात ने कहा कि जमीनी विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। घायल के फर्द बयान पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरे जमीन पर जो है अवैध कब्जा कर रहा था, मैं अपने जमीन को देखने के लिए गया कि किसने बाउंड्री कर रखा है। 15-20 दिन से जो गोपाल मंडल ने धमकी दे रखा था, उन्होंने ही बाउंड्री कर दिया था। हम उस बाउंड्री विधायक गोपाल मंडल, वो कम से 15-20 दिन पहले उस पर जो है ट्रांसपोर्ट खोल दिया था। ट्रांसपोर्ट को हमने हटा दिया, पुनः फिर पता चला कि वो बाउंड्री कर दिया है और बाउंड्री को जो है हम उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर गए। आज हुआ क्या, वो वहाँ गए और वो लोग जो है गोपाल मंडल वहाँ से आदमी भेज करके, अपने बेटा को भेज के, अपने आदमी को भेज करके उन्होंने गोली से फायर किया, लाठी डंडे से मेरे पूरे परिवार को मारा। मेरे बड़े लड़के, मेरी वाइफ का हाथ तोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया और मेरे बेटे का हाथ तोड़ दिया। और कम से कम 10 फाइल किया है। कितना लोग घायल? एक लोग घायल है सर और 3 लोग इंजोर्ड हैं लाठी डंडे से। क्या नाम है बेटे का? गोपाल मंडल के बेटे का नाम आशीष मंडल है। गोली जो चलाया है वह दिलीप मंडल और धनंजय यादव है। दबंगई आज से कर रहा है, इसका तो अंत को ही प्रशासन विभाग को करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन ये मनबढ़ू इतने हैं कि इनको कोई आज तक जो है इस पर कोई आंच नहीं आ रहा है। दिलीप नाम का था, रिंकू था, सब करवा रहा है गोपाल मंडल। कौन है गोपाल मंडल? गोपाल मंडल विधायक है, गोपाल वही है डायरेक्टर इसका। जमीन हथियाना चाह रहे? हाँ, मेरा जमीन हथियाना चाह रहा है। मामला दर्ज करवाएंगे? एकदम करवाएंगे। तो एकदम करवाएंगे हम लोग। अभी 3 आदमी बहुत जबरदस्त है, 4 आदमी, एक शरद है रवि। रवि कार्रवाई होनी चाहिए क्या? कार्रवाई ऐसा वैसा नहीं, पूरा अच्छा से कार्रवाई होनी चाहिए। बरारी पुलिस को सूचना मिली थी कि बिग डैडी करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर कुछ लोग आपसी मारपीट किए हैं। तत्काल पुलिस की टीम वहाँ पहुँची, वहाँ देखे कि 4 लोग घायल हैं, उसमें से एक व्यक्ति को गोली का छर्रा लगा हुआ था और तत्काल उनको पुलिस के द्वारा अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है और अन्य जो 3 जख्मी लोग हैं उनका भी इलाज कराया जा रहा है। जो रेस्टोरेंट है उनके जो संचालक है उन पर प्रथम दृष्टि आरोप लगाया जा रहा है और जो जख्मी हालत में जो लोग हैं उनका फर्द बयान लिया जाएगा अस्पताल में, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही देर शाम देखने को मिली, जब एक 6 साल का बच्चा मनाली चौक पर एक स्थानीय व्यक्ति जितेंद्र कुमार सिंह को मिला, जिसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि कहां घर है तुम्हारा। तब बच्चे ने बताया कि कुछ लोग उसे बोरे में बंद कर ले जा रहे थे, लेकिन स्पीड ब्रेकर के पास बोरा गिर गया और वो अपहरणकर्ताओं के चुंगल से भाग गया, जिसके बाद जितेंद्र सिंह ने बच्ची को कचहरी चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात SI अरुण पासवान के हवाले कर दिया, जिसके बाद ट्रैफिक SI ने तिलकामांझी थाने को सूचना दी। वहीं बच्चा लगातार कह रहा था कि उसका अपहरण किया गया है, लेकिन थाने से आई SI ने गाड़ी
सुधरने की भी जहमत नहीं उठाई और कहा कि बच्चा झूठ बोल रहा है और बच्चे को उसके माता पिता के हवाले कर वहां से चलती बनी। बच्चे के द्वारा अपहरण किए जाने की बात कही जा रही थी, जिस पर पुलिस को जांच कर यह पता लगाने की जरूरत थी कि बच्चा सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन तिलकामांझी थाने से आई ASI कोई कार्रवाई नहीं करते हुए बच्चे को उसके माता पिता को सौंप कर चलती बनी। मोहल्ले में बैठा हुआ था तो पता नहीं कहाँ से कोई आदमी आके बोला मेरे को कपड़ा मुंह में कपड़ा बांध के हाथ बांध के बोला मैं उठा के कहाँ ले गया ये फेंक दिया। क्या नाम हुआ तुम्हारा? आर्यभ। कब तुमको पकड़ा था? 550 में। पिताजी का नाम क्या हुआ? चंद्रशेखर। कहाँ घर हुआ? जमालपुर घर हुआ। अच्छा सर, हम डॉक्टर अजय कुमार सिंह के यहाँ, मेरा एक्सरे है, उनके भाई हैं हम। हम उधर से आ रहे थे, ये बच्चा दौड़ के मेरे पास आया। हमसे कहा क्यों मेरे पास बच्चा आ रहा है और ये पूरा डरा सहमा हुआ था। तो हम पूछे बाबू कहाँ जाना है तुमको, कहाँ घर है? तो बोला कि अंकल हमको कहाँ जाना है पते नहीं है, कहाँ जा रहे हैं हमको, मेरा हम तो हमको उठा के कोई ला कर के यहाँ फेंक दिया मुँह में कपड़ा बांध करके, हमको स्टेशन पहुंचा दीजिए। ये कहाँ का है लड़न रहने वाला? ये पटेल नगर बता रहे हैं बाबू, ये भागलपुर में पटेल नगर का कहीं अपना एड्रेस बता रहे हैं। तब किसी तरह से इसको अपने माँ का फ़ोन नंबर याद आया, तब हमने फ़ोन नंबर लगाया तो इनके माता पिता बोला तब कहाँ है आप इनको पकड़ने रखिए हम आ रहे हैं। और ये जमालपुर कुछ बता रहा था? जमालपुर इसका ननिहाल बता रहा था, इसका सारा बात ननिहाल है तुम्हारा बाबू जमालपुर? इसका पापा जमालपुर में रहता है। इसको कहाँ से उठाया गया? ये मनाली चौक के पास हम इसको बयान नोट करना जरूरी है, नहीं समझ हम। बरारी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल और उसके गुर्गे के द्वारा जमीन मालिक लाल बहादुर सिंह और उसके परिजन और समर्थकों की जमकर पिटाई कर दी गई है। आशीष के द्वारा गोली चलाए जाने से रवि नाम का युवक बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने पटना रेफर कर दिया है। मामले की जानकारी मिलते ही भागलपुर पहुंचे जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि जमीनी विवाद मामले में जो गोलीबारी हुई उसमें मेरा बेटा कहीं से शामिल नहीं है, वो एक शिक्षित और पढ़ा लिखा लड़का है, वो गोली नहीं चला सकता। वहीं गोपाल मंडल ने यह भी कहा कि मेरा बेटा व्यवसाय करना चाहता था और मैंने उसे एक होटल चालू करवा दिया, वो होटल में ही ध्यान लगाकर काम कर रहा है। जमीन विवाद मामले में जो मारपीट हुई है उसमें दूर दूर तक ना तो मैं हूँ ना ही मेरा बेटा। जमीन विवाद का जो मामला सामने आ रहा है उसमें हम लोग चार पार्टनर थे, जिसमें तीन पार्टनर ने जमीन बेच दी थी, उसी का विवाद है, उसमें मैं कहीं से दूर तक नहीं हूँ। मेरे पर और मेरे बेटे पर लगाया गया आरोप पूर्ण रूप निराधार है। वहीं जिस युवक को गोली लगी है पहले पुलिस उसकी शिनाख्त करे कि वो युवक कौन है जो 50-60 लड़के लेकर दीवार गिराने का काम कर रहा था, वो भी तड़के सुबह सुबह। हमारा तो कोई मामला है, हमारा लड़का भले जाते हैं दिन में सवेरे, क्या चीज़ का कमी है वो राशन पानी देने के लिए, फिर शाम में जाता है हिसाब लेने के लिए। तो हमारा तो होटल है एक बीघे में, तो होटल से मतलब फिर लड़ाई हम लोग क्यों करेंगे घर जाके? वो तो प्रवीण झादर होगा जी हैं, जवाहर जी हैं, किसके किसके यहाँ जमीन बेचा है, क्या मामला है? वो मामला कोर्ट में लंबित है, हम लोगों से तो कोई लड़ाई नहीं है, कोई झंझट नहीं। अब सीधा आरोप लगा दे मेरे बेटे पर या गोपाल मंडल के इशारे पर हुआ तो लगाने इसको कोई रोक नहीं सकता, अपना मुँह है बोलते रहे। और तू उतना सुबह का है 5 बजे आके दीवार गिरा दिया, दीवार गिरा दिया 50-60 आदमी के साथ, गोली चली है, गोली उन लोगों ने चलाया है, उन लोगों ने गोली, जिसको गोली लगा है शायद माथे में लगा है, कहाँ लगा है, तो गोली वो आदमी कौन है उसका पहले जांच पड़ताल करे पुलिस वाला, वो आदमी कहाँ से है। 50-60 आदमी से आके सब दीवार एक तरफ से गिरा दिया तो हमारा नहीं गिराया, उन लोगों का मामला है। हम चार पार्टनर थे जिसमें एक मुकेश जी, हम, शास्त्री लड्डू मामा
जो जिसको शास्त्री कहते हैं, कौन शास्त्री कहते हैं, वो एक अनिल मामू थे, चार पार्टनर, सबों ने ज़मीन अपना बेच दिया, हमने बेचे, 4 बीघा ज़मीन था, 1 बीघा हम रखे, उसमें होटल चला रहे, हमसे तो कोई लड़ाई ये नहीं है, कहीं किसी प्रकार की बात नहीं। और भालपुर में कहीं घटना हो तो वो बाल मंडल ऐसा करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये चलने वाला है, अनुसंधान में आएगा, मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है, तो मेरा बेटा कहीं गोली चलाने वाला है, देहरादून से पढ़ लिख के अब पापा हम बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस में हम क्या करोगे, होटल चलाएंगे, चलो होटल खोलो, पढ़ा लिखा इंसान है, वो काहे गोली चलाएगा, हथियार का नामो निशान नहीं जानता है। क्या लगता है साजिश कहीं से चल रही है? तो साजिश चल रही हो नहीं हो, हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं इस मामले में, और साजिश कौन बड़का खून हो गया, हमारे तरफ से कोई आदमी नहीं गया है, 50-60 आदमी से आग के सुबह उन्होंने दीवार गिरा, ये जानकारी बाद में मिली जब हंगामा हुआ वहाँ, तब क्या चीज़ का हंगामा है, तो ये तो वही बोले उन लोगों का ज़मीन है, उन लोगों का दीवार है, हमारा 1 बीघे के अंदर ये दीवार है, तो दीवार किधर है होटल, उस ज़मीन से हमको कोई तल्लुकात नहीं, वो ज़मीन हमारा है ही नहीं, फिर हमारा समर्थक क्यों जाएगा मारने के लिए, बदनाम करने की साजिश? हाँ यही सब साजिश है समझिए। अब मान लीजिए उनका क्या तुक बनता था, ये लंबित मामला है कोर्ट में, कोर्ट डिग्री दे गया तब ना दीवार आप गिराइएगा, कैसे आके दीवार गिरा दीजिएगा, जिसका दीवार गिरा उन्होंने अपना फौज दल भेज के गिर गया। दिल्ली के मध्य जिला नवीकरण थाने में 5 दिसंबर को 13 साल की नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था। पिता की तरह बच्ची की गुमशुदगी को लेकर लगातार तलाश भी की जा रही थी, वहीं थाने में भी मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस जांच में जुटी और झारखंड के राधानगर उधवा से नाबालिग बच्चे को सलमान नामक युवक के साथ बरामद किया। सलमान की गिरफ्तारी के बाद बच्ची ने भागलपुर स्टेशन पर जमकर हंगामा किया और वो अपने माता पिता के साथ नहीं जाकर सलमान के साथ जाना चाह रही थी, जिसके बाद रेल पुलिस सभी को थाने लेकर आई और समझा बुझाकर बच्ची को माता पिता दिल्ली पुलिस लेकर चली गई है। पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी लगातार साइबर ठगी का मामला सामने आ रहा है। साइबर ठग खास करके आम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर के इसाकचक के लालूचक का है, जहां के रहने वाले मजदूर राधे तांती साइबर ठगी का शिकार हुआ। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि अक्टूबर माह में SBI बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड दिया गया था, क्रेडिट कार्ड हमने रखा था। एक दिन किसी महिला के द्वारा फोन आया और कहा आपका क्रेडिट कार्ड अपडेट करेंगे, आप अपना फोन नंबर पास में ही रखना। मैंने अपना फोन पास ही रखा था, उधर से OTP आया तो लड़की मुझसे OTP पूछी, मैंने OTP बता दिया, उसी समय मेरे खाते का 58,000 रुपये गायब हो गया। उक्त मामले की जानकारी स्थानीय इसाकचक थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया। आपको बता दें कि लगातार अधिकारियों से लेकर मजदूर तबके के लोगों को इसका शिकार बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि साइबर ठगी के पास किसी भी खाताधारी का मोबाइल नंबर कैसे उपलब्ध हो जाता है। इस टाइप का फ्रॉड हुआ है, बन के आया क्रेडिट कार्ड। कौन बैंक का? जी SBI का। आपका खाता किस बैंक में? खाता हमारा है यूको बैंक में। क्रेडिट कार्ड कहाँ से लिए थे? क्रेडिट कार्ड उसी के कॉल से आया, तो वहीं से फोन किया था तो लड़की थी SBI का, तो वही वही बुला करके सबसे बहुत सारा को करवा रहा था, तो अभी फिर भी बोले कि हम नहीं बनाएंगे, फिर बोला बस सर बना लीजिए, आपको काम पड़ेगा, सर सामान लेने में काम पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड आपको जबरदस्ती बनवाया गया, ठीक? तो हम कह साहब मैडम हम लोग पढ़े लिखने जानते ना, ठीक, उतना जो हम चला सकेंगे नहीं सर, फिर भी बना लीजिए, आपको काम पड़ेगा, जैसे कि कुछ सामान लीजिएगा आदित्य में जो भी आदित्य विजन या सामान लेना पड़ेगा तो ले लीजिएगा, किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान का कोई भी क्रेडिट पे सामान ले सके, इसीलिए मैडम तो बना दीजिए, तो बना दिया, तो कुछ दिन के बाद बन के आया आईडी कार्ड, आज कार्ड बन के आया, 2 दिन के बाद फोन आ गया हमको। कब का ये बात है? ये बात है सर दुर्गा पूजा के पहले की, अक्टूबर मंथ में। हाँ दुर्गा पूजा के पहले की। क्रेडिट कार्ड उसी महीने में बना था आपका? शायद उसी महीने में बना था हमको। SBI से? SBI कहाँ से? SBI बैंक से। SBI बैंक तो फोन आया तो बोला कैसे हम तीन वहाँ से बोल रहे हैं, हमको बताइए, ठीक, तो उसी में जो पूछा हम बता दिए। जब आपके साथ अक्टूबर महीना में दुर्गा पूजा में ये कहानी हुई, हाँ। तो क्या आप आवेदन दिए थाना में आकर के? नहीं, उस आपको कुछ मालूम, हम सोचे कार्ड बनिए गया है, उस समय आपको पता नहीं चला कार्ड हम घर में धर दिया, ठीक, तो इधर 2 दिन पहले की बात है जो पैसा कटा ना,
तो आपको बाद में पता चला? बाद में पता चला परसों से, जब आप अपना खाता चेक किए। हाँ जब देखा कि ऐसे आने लगा। कौन से बैंक में खाता, कौन है थी में आपका? यूको बैंक में है। जगह जगह किस ब्रांच में? ब्रांच एसबीआई का अधिक है, लोधीपुरी में है यूको बैंक। हाँ लोधीपुर में, वही पूछ रहे हैं हम। हाँ लोधीपुर में। तो यही कहानी है। कितना पैसा आपका गया? 58,000। आपको कंपनी से कॉल आई थी क्या? कंपनी से तो कॉल नहीं अभी तक आई है। क्रेडिट कार्ड वाले की तरफ से? क्रेडिट कार्ड का। हाँ ओटीपी आप दिए? हाँ ओटीपी हमसे गमी से मिक्सचर से चला गया, मांगा हम दे दिए। आपसे पूछा गया अंक? हाँ, छह अंक बताइए। हाँ, छह अंक बताया गया और हमने गलती से सूर्यम ऐसा हो गया, हम लोग नहीं जानते थे। जब आप पढ़े लिखे नहीं है इस चीज के लिए, तो आप इस काहे के लिए क्रेडिट कार्ड बनाया? आपने बनाया, अब हमको सबसे हमको कोई नहीं, गलती हो गई है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आंदोलन का दौर शुरू हो चुका है। छात्र राजद के द्वारा टीएनबी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय चौधरी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान आज विश्वविद्यालय सहित सभी कॉलेजों में संजय चौधरी को बर्खास्त करने को लेकर पोस्टर साटा गया। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि डॉक्टर संजय चौधरी का प्रिंसिपल पद पर कार्यकाल 6 दिसंबर को पूरा हो चुका है, इसके बावजूद भी उन्हें पद से नहीं हटाया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा उन्हें फिर से एक्सटेंशन देने की की जा रही है, जबकि उन पर कई आरोप जांच के दौरान सिद्ध हो चुके हैं, इसके बावजूद उन्हें एक्सटेंशन देना कहीं से भी उचित नहीं है। और 6 तारीख से उन्होंने अपने पद को नहीं छोड़ा और हम लोगों ने 7 तारीख को कुल सचिव कुलपति और प्रति कुलपति से मिलकर अपना आवेदन सौंपा कि उन्होंने 5 साल का जो कार्यकाल टीएनबी कॉलेज में बिताया है बेहद ही घिनौना और भ्रष्टाचार के रूप में किया है। एसएसबी कॉलेज हो, मुरारका कॉलेज हो या जेपी विश्वविद्यालय हो, वहाँ से आए तो अपने काले कारनामों में खुद से सेल्फ अटेस्टेड करके आए और ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि इस विश्वविद्यालय में रहते हुए खुद कुलपति बने और अपने ऊपर लगे दामन पर दाग यहाँ के पद्मकांत झा को कहकर यह कहते हैं कि आप इस बात को लिख दीजिए कि मेरे ऊपर जो वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं वो सरासर गलत है। एनबी कॉलेज के प्रचार संजय कुमार चौधरी का 5 वर्ष 6 दिसंबर को ही पूरा हो गई है और इनका पूर्व में भी जो इतिहास रहा है वो बहुत ही भ्रष्टाचार रहा है। मुरारका कॉलेज में भी इन्होंने परीक्षा में काफ़ी धांधली की थी, जो विद्यार्थी एक्सपेल्ड हो गए उनको भी इन्होंने फिर से एग्जाम देने का और दिलवाने का काम किया। जब जांच कमेटी बैठी तो उसमें वह दोषी पाया गया, फिर जब टीएनबी कॉलेज में भी काफ़ी सारे काम हुए